वो पेन उस दिन आई थी बहुत अच्छी थी, जो उस रूम में चली गई है उसको पेनिया दे दीजिए, पेनिया बहुत अच्छी थी वो वाली। नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुमंत सिंह, टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयागराज से। बच्चों जरा बता दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है जरा बता दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो बताए बेटा। हाँ आ गया अजीत कुमार यादव जी का, ऑल क्लियर सर। चलिए देखिए, ये हम केवीएस टीजीटी पीजीटी एलटी 2022-23 बायोलॉजी प्लांट टैक्सोनॉमी और लेक्चर वन हम शुरू कर रहे हैं। नया बैच प्रारंभ है और अगर किसी को एडमिशन संबंधी कोई जानकारी लेनी है, यहाँ दो नंबर हैं 9628959237 8318489291। इस पर किसी पर भी आप कॉल कर लें या व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दें, मैनेजमेंट खुद आपको कॉल कर लेगा, आपके मैसेज का जवाब देगा। तो ये चीज़ें हैं। और जब आज 5 बजे से पढ़ाएंगे तो 5 बजे में आज एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो चलिए जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए, नेहा अवी सिंह हैं, अरीफा सिद्दीकी हैं, ज्योति सक्सेना जी हैं, कोसर जहां और स्वाति यादव जी, चलिए आशीष जी, सुष्मिता कन्नौजिया, अजीत कुमार यादव, चलिए सुष्मिता बेटा भी जुड़ी हुई हैं, दीपिका मौर्य, हिमांशु मिश्रा जी, चलिए फटाफट जुड़ जाइए 2 मिनट। आज बिल्कुल राइट टाइम पर पूजा श्रीवास्तव, आशीष कुमार, शिवानी कोहली सर मैं भी हूँ बिल्कुल बेटा जी, पल्लवी यादव, अजीत कुमार यादव पहले ही हो गए, चलिए अंबेलाल, अभिषेक सिंह प्रतापगढ़, सोनी त्रिवेदी, चलिए दिनेश कुमार सिंह, भूपेंद्र शुक्ला जी, सोनी त्रिवेदी, अभिषेक, चलिए उमा कुमारी जी। तो आकांक्षा वर्मा, दिस रोज फॉर यू सर जी, थैंक्स बेटा जी, चलिए हो गया। चलिए लोग आते जाएंगे, मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूं। तो प्लांट टैक्सोनॉमी का शुरू हो रहा है आज। चलिए ये बोर्ड थोड़ा सा चेंज करवा दूं। बोर्ड का कलर मैं चेंज करवा दे रहा हूं, तो इसको जरा चेंज करिए। चलिए तो अब शुरू करते हैं इसमें। प्लांट टैक्सोनॉमी मैं बता दूं, जो बच्चे केवीएस का देंगे एग्जाम देंगे, केवीएस में ये चीजें लिविंग वर्ल्ड, जो एनसीईआरटी 11th का पहला चैप्टर है, तो लिविंग वर्ल्ड में मिल जाएगा और प्लांट किंगडम में भी कुछ पोर्शन मिल जाता है, लिविंग वर्ल्ड और प्लांट किंगडम।
आप प्लांट जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है उसमें केवल 3 फैमिली हैं केवीएस में, और एक मेंबर क्रूसीफेरी का है जिसका नाम मस्टर्ड है, उसका फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम दिया हुआ है। इसके अलावा 3 फैमिली है आपका, एक फैमिली फैबेसी है, दूसरा सोलनेसी है, तीसरा लिलिएसी है। एक मैं केवीएस की बात कर रहा था, लेकिन बाकी जगह कई कई फैमिली है, तो कुल मिला के हम यहाँ 23 फैमिली पढ़ा देंगे। तो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, आपका जीआईसी प्लस केवीएस, सारी फैमिली को हम इंक्लूड कर देंगे, सब पढ़ा देंगे। जो आपका सिलेबस होगा उसको आप कर लेंगे। तो ये चीज़ें, चलिए हो गया। तो ये प्लांट टैक्सोनॉमी देखिए क्या है इसमें। पहली पॉइंट है दी स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन नॉमनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स नोन एज प्लांट टैक्सोनॉमी। देखिए क्या हो गया, द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन नॉमनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स नोन एज प्लांट टैक्सोनॉमी। तो आइडेंटिफिकेशन हुआ, नॉमनक्लेचर हुआ और क्लासिफिकेशन हुआ, ये तीनों चीजें किस में आती हैं, प्लांट टैक्सोनॉमी में आती हैं। प्लांट टैक्सोनॉमी चलिए एम्ब्रॉयडरी अभी बचा हुआ बेटा थोड़ा सा है, एक दिन का बचा हुआ है ना, बचा हुआ हो तो मैं बताया था। चलिए तो द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन नॉमनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स नोन एज प्लांट टैक्सोनॉमी। चलिए डन बोलिएगा, आगे बढ़ेंगे। प्रियंका शर्मा जी डन हो गया सर। प्रिया श्रीवास्तव भैया होगा 5 बजे से होगा वो। प्रिया श्रीवास्तव जब भी मैंने बताया कि जो प्रैक्टिस हम करवाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का दूसरा प्रैक्टिस सेट, वो 5 बजे से होगा। 4 से 5 ये नया चैप्टर है क्योंकि मॉर्फोलॉजी खत्म हो गया था, तो ये टैक्सोनॉमी हमने शुरू किया। तो टेस्ट जो है वो आपका प्रैक्टिस सेट वो 5 बजे से है, ठीक है। चलिए 5 से 6 होगा, बिल्कुल हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, द टर्म टैक्सोनॉमी क्वाइंड बाई ए पी डी कैंडोल The term taxonomy coined by A.P. D. Kendall. देखिए A कैपिटल से, P कैपिटल से, D में स्मॉल D, स्मॉल E, D Kendall. The term taxonomy coined by A.P. D. Kendall. Next है The term systematics
given by the term systematics given by Linnaeus. The term systematics given by Linnaeus. Given by कहें चाहे coined by कहें, दोनों एक चीज होती है, दोनों एक चीज होती है. चलिए, the term taxonomy coined by A.P. de Candolle और systematics coined by आपका Linnaeus. चलिए, हो गया. चलिए, कोसर जहां डन हो गया सर. आगे देखिए क्या इसमें नेक्स्ट पॉइंट है. द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स क्वाइंड बाई The term new systematics coined by Julian Huxley. The term new systematics coined by Julian Huxley. Julian Huxley. आगे देखिए क्या है. नेक्स्ट पॉइंट है द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स क्वाइंड बाय जूलियन हक्सले. चलिए आगे देखिए क्या है. The term biological species put forward by the term biological species put forward by. चलिए, बायोलॉजिकल स्पेसिस फूड फॉरवर्ड अंश मेयर. बिल्कुल राजेंद्र प्रसाद मंडल जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, निश्चित उनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है. राजेंद्र प्रसाद मंडल जी पूरी चीजें उनको तैयार हैं, फिर भी क्लास में जुड़ते हैं वो, है ना. सारा चीजें लगभग तैयार हैं. बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बहुत बढ़िया कर रहे हैं. चलिए, तो क्या हो जाएगा. द टर्म बायोलॉजिकल स्पेसीज पुट फॉरवर्ड बाई अंश मेयर ERNST अंश मेयर MAYR. ये स्पेलिंग भी ध्यान दीजिएगा बेटा जी, अंश मेयर MAYR. क्योंकि अभी टर्म टैक्सान आएगा, उसमें एडोल्फ मेयर हैं. एडोल्फ मेयर में MEYER है, यहां MAYR है. अंश मेयर स्पेलिंग को ध्यान दीजिएगा, है ना. स्पेलिंग को विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा बेटा जी, अंश मेयर MAYR. बिल्कुल देखिए, सोनी राठी जी ने बिल्कुल सही लिखा, अंश मेयर. द टर्म बायोलॉजिकल स्पेसीज पुट फॉरवर्ड भी अंश मेयर. तो इस चीज को भी ध्यान दीजिए, है ना, कि क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि आप बड़े बच्चे हैं. एडोल्फ मेयर अभी आगे आएंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. देखिए क्या है इसमें, एक नाम आता है क्या, कार्ल वान लिने. इनको क्या कहते हैं, कैरोलस लिनियस कहते हैं. क्या कहते हैं इनको कहते हैं कैरोलस लिनियस.
कैरलस लीनियस, कार्ल वान लीने, क्या कहते हैं इनको? कैरलस लीनियस कहते हैं, कैरलस लीनियस। और ये देखिए 1707 में पैदा हुए थे, 1760, मरे कब? 1778, 1707, 1707 में पैदा हुए। बिल्कुल सही कह रही कोसर जहां बेटा, उस इंटरव्यू को भी देखें। चलिए तो 1707 से 1778, बिल्कुल 1707 1778। और देखिए क्या इसमें है, पॉपुलरली नोन एज मतलब कार्ल वान लीने हैं, पॉपुलरली नोन एज कैरलस लीनियस। और देखिए ये हैं कौन, ये देखिएगा, ये क्या है, ए स्वीडिश बोटैनिस्ट हैं, ये स्वीडिश बोटैनिस्ट हैं, ए स्वीडिश बोटैनिस्ट। स्वीडिश के मतलब आपका स्वीडन के बोटैनिस्ट हैं। अगर स्विस लिखा होता बेटा SWIS, तो वो स्विट्जरलैंड हो जाता। ये क्या है, स्वीडिश मतलब स्वीडन, तो स्वीडन के क्या हैं, बोटैनिस्ट हैं, ठीक है, ये स्वीडिश बोटैनिस्ट। आगे देखिए क्या है, इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। और क्या कहते हैं इनको, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। बिल्कुल आगे देखिए क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमनक्लेचर। स्वीडिश बोटैनिस्ट हैं, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी हैं, फादर ऑफ सिस्टमेटिक बॉटनी हैं, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी हैं, फादर ऑफ बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमनक्लेचर, बाइनोमियल। और इसके अलावा एक टर्म और है, क्वाइन द टर्म एल्गी, क्या देखे, क्वाइन द टर्म एल्गी। इन्होंने एल्गी टर्म को क्वाइन किया था, क्वाइन द टर्म एल्गी। ये देखिए कार्ल वान लीने, पॉपुलरली नोन एज कैरलस लीनियस, 1707 से 1778 अ स्वीडिश बोटैनिस्ट, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ सिस्टमेटिक बॉटनी, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमनक्लेचर, बाइनोमियल, फादर ऑफ बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमनक्लेचर,
coined the term algae. Coined the term algae. बिल्कुल 1753 किरण राय बिल्कुल सही कह रहे हैं. हो गया तो ये आप नोट कर लीजिए, डन बोल दीजिए. मां कुमारी डन हो गया सर, स्वाति यादव डन हो गया सर, दीपा मिश्रा जी डन हो गया. चलिए अंजू कुमारी सर जी मैं न्यू स्टूडेंट हूं, आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा जी. अंजू कुमारी जी ये फर्स्ट स्लाइड नहीं, डॉली सिसोदिया जी फर्स्ट स्लाइड कैसे होगी बेटा जी, ये तो स्लाइड नंबर 5 है, स्लाइड नंबर 5 है. चलिए डन हो गया, आगे बढ़ते हैं. अब देखिए क्या है नेक्स्ट जो चीज है वह है बुक्स ऑफ लीनियस. लीनियस बुक्स ऑफ लीनियस कौन कौन सी लीनियस की बुक है. इसमें देखिए पहली की जो किताब है उसका नाम है सिस्टमा नेचुरी. सिस्टमा नेचुरी सिस्टमा नेचुरी. दूसरी जो किताब है वह है फ्लोरा लैपोनिका. फ्लोरा लैपोनिका. जो तीसरी किताब है वह है जेनरा प्लैंटेरम. जेनरा प्लैंटेरम. और जो चौथी किताब है फिलोसोफिया बोटैनिका. फिलोसोफिया बोटैनिका. फिलोसोफिया बोटैनिका. और पांचवी किताब जो है वह स्पेसीज प्लैंटेरम. स्पेसीज प्लैंटेरम. देखिए बुक्स ऑफ लीनियस ये पांच किताबें इनकी हैं, सिस्टमा नेचुरी, फ्लोरा लैपोनिका, जेनरा प्लैंटेरम, फिलोसोफिया बोटैनिका, स्पेसीज प्लैंटेरम. ये देखिए लिखी गई थी कब, 1735 में. 1735 में ये देखिए लिखी गई, 1737 में ये भी, 1737 में ये, 1751 में और ये आपका 1753 फर्स्ट में ये बुक्स ऑफ लीनियस है. बुक्स ऑफ लीनियस है देखिए, सिस्टमा नेचुरी 1735, फ्लोरा लैपोनिका 1737, जेनरा प्लैंटेरम 1737, फिलोसोफिया बोटैनिका 1751, स्पीसीज प्लैंटेरम 1753 फर्स्ट में. चलिए तो ये पांच किताबें हैं, आपको पांचों याद रखनी है बेटा, है ना, आपको पांचों किताबें याद रखनी है, आप कुछ छोड़ नहीं सकते, पांचों आपको याद रखना है. चलिए डन हो गया. अब आगे देखिए क्या है, अब आगे देखिए क्या है, फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी. फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी. फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी उनका जो नाम है क्या है, देखिए
फादर फादर यच सेंटा पाऊ सेंटा पाऊ। फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनॉमी फादर यच सेंटा पाऊ फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनॉमी। हाँ, अजीत कुमार यादव जी ने एक सवाल का किया कि सर जेनरा प्लेंटेरम को बेंथम एंड हुकर ने लिखा है, बात सही है। और जेनरा प्लेंटेरम जो बुक है वो लीनियस ने भी लिखी, उसको भी उन्होंने बेंथम एंड हुकर ने भी लिखी है। लेकिन कभी अगर आपको प्रीफर करवाएगा कि आप किसके साथ जाएंगे, अगर प्रीफर करवाता एक नाम कहता है चुनने के लिए, तो आप बेंथम एंड हुकर के साथ जाएंगे, क्योंकि उनकी उनकी जो जेनरा प्लेंटेरम है वो लीनियस से इंपॉर्टेंट है, तो उधर जाएंगे। जब मैं वहां आता अभी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर, तो मैं वहां चर्चा आपसे करता इस बात को, लेकिन आपने पूछ लिया तो मैंने आपको यही बता दिया कि अगर प्रीफर करेगा तो आप बेंथम एंड हुकर के साथ जाएंगे। ये सवाल है, ठीक है। शिवम सिंह सोमवंशी, वही बता दिया बेटा जी, वही बता दिया अभी चीज को, वो अजीत कुमार यादव जी ने पहले पूछ लिया था, वही जवाब मैंने दे दिया। अब इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट चीज है वो है आपका, नेक्स्ट चीज क्या इसमें है, देखिए टैक्सान, टैक्सान देखिए क्या है, दी टर्म टैक्सान, दी टर्म टैक्सान, दी टर्म टैक्सान क्वाइंड बाई क्वाइंड The term taxon coined by Adolf Meyer, M-E-Y-E-R, Adolf Meyer, वहां देखिए अंश मेयर थे, वहां स्पेलिंग M-A-Y-E-R थी, या Adolf Meyer, M-E-Y-E-R, the term taxon coined by Adolf Meyer, Adolf Meyer, बिल्कुल एडोल्फ मेयर, M-E-Y-E-R, जय शिवम तिवारी, बिल्कुल सही है, हो गया बिल्कुल। 1862 ऋचा सक्सेना जी करें जन्ना प्लेंटेरियम बेंथम एंड हुकर 1862 से 1883, बिल्कुल सही उनका जवाब है। चलिए अब आगे देखिए क्या है इसमें, टैक्सान क्या है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है कि एनी रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की कोई भी रैंक अपने आप में टैक्सान कहलाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या देखिए, एनी रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सान। एनी रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सान। क्लासिफिकेशन की कोई भी रैंक अपने आप में टैक्सान है। एनी रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सान, बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। एनी रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन को क्या कहा जाता है, टैक्सान कहा जाता है। 130 लोग बेटा जुड़े हुए हैं, केवल 74 लाइक है, बेटा जी लाइक कर दीजिए, 130 में 74 लाइक कर दीजिए बेटा जी, लाइक करने में पैसा नहीं जाता है, जब पब्लिक रहता हूं तभी मैं कहता हूं उसको लाइक करिए और शेयर करिए बेटा, इतना तो काम मेरे लिए कर दीजिए, है ना, कि 130 में आपके केवल 75 लाइक इसमें हैं, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए जो लोग नहीं किए हैं बेटा जी। चलिए अब तमाम ऐसे बच्चे हैं जो बगैर कहे वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, जैसे ही मैं पब्लिक रहता हूं आके पहला काम वही करते हैं, तो ये मैं सबसे कह रहा हूं, मेरी विनती है उसको लाइक करें बेटा, आपका कुछ खर्च नहीं होगा, लाइक करने से कोई पैसा आपका खर्च नहीं होगा। चलिए
हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए एनी रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सान। अब देखिए हम टैक्सान की बात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या यहां लिखते हैं, आपका किंगडम, किंगडम। फिर देखिए हम क्या लिखते हैं, डिवीजन, डिवीजन, ब्रैकेट में फाइलम, फाइलम। फिर हम क्या लिखते हैं, देखिए क्लास। फिर हम क्या लिखते हैं, ऑर्डर। फिर हम क्या लिखते हैं, ऑर्डर के बाद फैमिली। फिर हम क्या लिखते हैं, जीनस। फिर हम क्या लिखते हैं, स्पेसीज। ये देखिए ये टैक्सान है। अगर आप नीचे से ऊपर चलते हैं, नीचे से ऊपर चल रहे हैं, तो सबसे नीचे कौन, स्पेसीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर डिवीजन, फिर किंगडम। ये जो डिवीजन है प्लांट के केस में डिवीजन होता है, और यही एनिमल के केस में देखेंगे तो डिवीजन की जगह क्या हो जाएगा, फाइलम हो जाएगा। डिवीजन की जगह क्या हो जाएगा, फाइलम हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। अब देखिए सबसे ऊपर कौन है, किंगडम है, तो उसे हाईएस्ट टैक्सान कहते हैं। क्या कहते हैं, हाईएस्ट टैक्सान, इसे कहते हैं हाईएस्ट, हाईएस्ट टैक्सान। इसको कहते हैं हाईएस्ट टैक्सान, हाईएस्ट टैक्सान कहते हैं। और जो स्पेसीज है इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बेसिक या लोएस्ट टैक्सान, बेसिक। इसको हम क्या कहते हैं, देखिए इसको हम कहते हैं बेसिक और लोएस्ट टैक्सान, लोएस्ट टैक्सान कहते हैं, बेसिक या लोएस्ट टैक्सान। पहले आप बेसिक जानते रहिएगा, फिर आप लोएस्ट जानिएगा, बेसिक या लोएस्ट टैक्सान। ठीक है, लोएस्ट टैक्सान उसको बेसिक कहते हैं। पहले बेसिक याद रखिएगा बेटा, फिर लोएस्ट रखिएगा। तो ये टैक्सान, तो लोएस्ट टैक्सान, हाईएस्ट टैक्सान, इस चीज को याद रखिएगा। अब देखिए जरा ध्यान से सुनिएगा, जैसे एक जीनस के पास कई स्पेसीज होती है, यानी ग्रुप ऑफ स्पेसीज को आप जीनस कहते हैं, ग्रुप ऑफ जीनस को फैमिली कहते हैं, ग्रुप ऑफ फैमिली को ऑर्डर कहते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्डर को क्लास कहते हैं, ग्रुप ऑफ क्लास को डिवीजन या फाइलम कहते हैं, ग्रुप ऑफ डिवीजन को किंगडम कहते हैं। ऊपर से आएंगे आप क्या कहेंगे, एक किंगडम के पास कई डिवीजन या फाइलम होगा, एक डिवीजन या फाइलम के पास कई क्लास होगा, एक क्लास के पास कई ऑर्डर होगा, एक ऑर्डर के पास कई फैमिली होगी, एक फैमिली के पास कई जीनस होगा, और एक जीनस के पास कई स्पेसीज होगी, कई स्पेसीज होगी। बात समझ रहे होंगे, बात समझ रहे होंगे क्या हम कह रहे हैं। चलिए चलिए, तो बायो बाबा पर बहुत ध्यान मत दीजिए, अगर वो और आगे बढ़ेंगे तो फिर ब्लॉक भी कर दिए जाएंगे अभी एक मिनट में।
चलिए अब अपना काम करिए बेटा जी, बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई पर फोकस करें प्लीज, पढ़ाई पर फोकस करें। हो गया, चलिए आगे बढ़े हम। अब देखिए एक टर्म आता है, हम आगे बढ़ते हैं, देखिए हम नोट करके इसको लिख रहे हैं। एक टर्म आता है जो आजकल सवाल खूब पूछा जा रहा है, वो क्या है, ट्राइब है। एक टर्म है ट्राइब, एक टर्म है ट्राइब। हो गया, चलिए एक टर्म आता है ट्राइब, ये कई बार सवाल आया है, इवन CSIR का जो नेट का एग्जाम होता है उसमें भी आया हुआ है कि ट्राइब। तो देखिए मैं एक चीज बता दूंगा, जैसे वहां सवाल पूछा गया था कि ट्राइब किसके किसके बीच में सिचुएटेड होता है, तो अगर ट्राइब का आप दूसरा नाम जान जाएंगे तो आप बड़े आसानी से आप जान जाएंगे कि वो किसके बीच में होगा। तो मैं सबसे पहले ट्राइब का दूसरा नाम बता रहा हूं कि ट्राइब का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। चलिए हो गया, चलिए तो ट्राइब का जो दूसरा नाम होता है वो सब फैमिली होता है, सब फैमिली, सब फैमिली। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जब सब फैमिली है तो किसके बीच में होगा, तो वो बेटा जी फैमिली और जीनस के बीच में होगा। किसके बीच में होगा, फैमिली और जीनस के बीच में होगा। तो एक पॉइंट लिख लीजिए। चलिए तो क्या हो गया, देखिए आपका ट्राइब, देखिए सिचुएटेड, सिचुएटेड इन बिटवीन दी, सिचुएटेड इन बिटवीन दी, सिचुएटेड इन बिटवीन दी फैमिली, फैमिली एंड जीनस, फैमिली एंड जीनस। तो फैमिली और जीनस के बीच में सिचुएटेड होता है कौन, ट्राइब। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ट्राइब किसके किसके बीच में सिचुएटेड होती है। तो ट्राइब का अगर दूसरा नाम आपको पता है सब फैमिली, तो पक्का कि फैमिली के बाद सब फैमिली आता है। यहां फैमिली के बाद जीनस होता है जो मेन टैक्सान है, तो फैमिली और जीनस के बीच में ट्राइब हो जाएगा, ट्राइब हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए तो ये बहुत ही बढ़िया सवाल बनता है, याद रखिए इसको, ट्राइब आर सब फैमिली सिचुएटेड इन बिटवीन दी फैमिली एंड जीनस। हो गया, अब आगे देखिए क्या है, आगे देखिए क्या है, दी टर्म, दी टर्म स्पेसीज, दी टर्म स्पेसीज जीनस, जीनस एंड फैमिली, एंड फैमिली, दी टर्म स्पेसीज जीनस एंड फैमिली क्वाइंड बाई, क्वाइंड बाई जॉन रे, जॉन रे, जॉन रे। देखिए क्या है, द टर्म स्पेसीज जीनस और क्या है फैमिली, द टर्म स्पेसीज जीनस एंड फैमिली क्वाइंड बाई जॉन रे, जॉन रे, जॉन ने ये तीनों टर्म, तीनों टैक्सान को क्वाइंट किया था। अरे बेटा जी जब इस पर YouTube पर चल रही तो ऐप पर कैसे होगी, करुणा शर्मा जी इस पर तो चली रही है ना बेटा जी। चलिए
जॉनरे हो गया। आगे देखिए क्या है नेक्स्ट पॉइंट जो है द टर्म ऑर्डर एंड क्लास क्वाइंड बाय द टर्म ऑर्डर एंड क्लास क्वाइंड बाय लीनियस द टर्म ऑर्डर एंड क्लास क्वाइंड बाय लीनियस किसने क्वाइंड किया लीनियस ने क्वाइंड किया क्या सब नहीं आ रहा क्या क्वाइंड बाय लीनियस चलिए हो गया। तो द टर्म ऑर्डर एंड क्लास क्वाइंड बाय लीनियस एक बायो बाबा जुड़े हैं उनको ब्लॉक कर दीजिए है ना बायो बाबा द टर्म ऑर्डर एंड क्लास क्वाइंड बाय लीनियस चलिए आगे देखिए क्या है द टर्म फाइलम क्वाइंड बाय जॉर्ज क्यूवियर द टर्म फाइलम क्वाइंड बाय जॉर्ज क्यूवियर जॉर्ज क्यूवियर चलिए तो द टर्म है क्या नहीं यार द टर्म फाइलम क्वाइंड बाय जॉर्ज क्यूवियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं देखिए इसमें जो नेक्स्ट चीज है आपका एक ब्रांच आती है जिसका नाम है कीमो टैक्सोनॉमी कीमोटैक्सोनॉमी कीमोटैक्सोनॉमी अब देखिए हम बात करेंगे कीमोटैक्सोनॉमी की अल्फा टैक्सोनॉमी ओमेगा टैक्सोनॉमी और इसके अलावा आपका न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की बात करेंगे तो हम सबसे पहले कीमोटैक्सोनॉमी की बात कर रहे हैं हो गया। चलिए तो आगे हम बात कर रहे हैं कीमोटैक्सोनॉमी क्या है देखिए द एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री टू द सिस्टमैटिक्स
The application of chemistry to the systematics is known as chemotaxonomy. The application of chemistry to the systematics known as chemotaxonomy. The application of chemistry to the systematics known as chemotaxonomy. मुझे याद है कि जब हम लोग मैं एमएससी कर रहा था तो मेरे जो गुरुजी थे वो क्या करते, उनको टैक्सोनॉमी का बहुत ज्ञान था। जैसे हम लोग प्लांट लेके जाते थे कि गुरुजी इस प्लांट का नाम क्या है, तो वो 99.9% का नाम बता देते थे। बहुत ज्ञान था उनको टैक्सोनॉमी का, 99.9% वो बता देते थे कि ये प्लांट है, इस फैमिली का है। कभी किसी, जैसे मान लीजिए हम हजारों प्लांट ले गए हों, कभी इक्के दुके प्लांट का नाम वो नहीं बता पाए, तो क्या करते थे, कीमोटेक्सोनॉमी यूज करते थे। वो लीफ उसकी रगड़ देते थे और फिर उसको सूंघते थे और फिर देखते थे कौन सी गंध आ रही है, तो ये गंध किस केमिकल की है और ये केमिकल किस फैमिली के किस मेंबर में पाया जाता है, वो बता देते थे। इस प्लांट का नाम ये है, ये इस फैमिली का मेंबर है, इसका बोटेनिकल नंबर नेम ये है, वर्नेकुलर नेम ये। इतना उनको ज्ञान था टैक्सोनॉमी में, तो कीमोटैक्सोनॉमी वो अप्लाई करते थे। ठीक है, कीमोटैक्सोनॉमी अप्लाई करते थे वो। तो ये चीजें हैं, हो गया। तो द एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री टू द सिस्टम, द एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री टू द सिस्टमैटिक्स इज नोन एज कीमोटैक्सोनॉमी। आगे देखिए क्या है नेक्स्ट इसमें, अल्फा टैक्सोनॉमी क्या है, देखिए क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सेवरल मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सेवरल मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स known as alpha taxonomy. Classification based on several morphological and anatomical characters known as alpha taxonomy. याद रखिएगा, several morphological और anatomical character. अगर कोई क्लासिफिकेशन सेवरल मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल करेक्टर पर बेस्ड है तो उसे क्या कहते हैं, अल्फा टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं, राजेश बनारसी जी जुड़े हुए हैं, बिल्कुल राजेश जी, और आप ठीक हैं राजेश बनारसी जी, टूरिल, बिल्कुल सही बात है राजेश जी, ठीक है राजेश बनारसी जी, चलिए हो गया। अब देखिए क्या है नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, द टर्म अल्फा टैक्सोनॉमी क्वाइंड बाई टूरिल। द टर्म अल्फा टैक्सोनॉमी क्वाइंड बाई टूरिल। चलिए
चलिए हो गया द टर्म अल्फा टेक्सोनॉमी क्वाइन बाई टूरिल, डन बोल दीजिए। अब इसके बाद देखिए इसमें है ओमेगा टेक्सोनॉमी, ओमेगा टेक्सोनॉमी, ओमेगा टेक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, चलिए क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सेवर, क्लासिफिकेशन मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स नोन एज ओमेगा टेक्सोनॉमी, ओमेगा टेक्सोनॉमी। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर, चलिए तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स नोन एज ओमेगा टेक्सोनॉमी। हो गया, चलिए ठीक है आगे, अब यहीं तक रहने दीजिए बेटा जी, आज आज यहीं तक रहने दीजिए क्योंकि 5 बजे जस्ट 5 मिनट लगेगा उसको, मैं 5 बजे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स का प्रैक्टिस सेट दूसरा लेके आ रहा हूं, तो वो 5 मिनट 6 मिनट एडजस्ट करने में लगेगा, तो आज यहीं तक रहने दीजिए बेटा जी, फिर 5 बजे मिलते हैं आपसे प्रैक्टिस सेट दूसरा लेकर के। तो ओके बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी।